हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको फिफ्थ क्लास में EBS का चैप्टर 5 पढ़ाने जा रही हूँ। इस लेसन का नाम है बिलो हॉट बिलो कोल्ड। बिलो बिलो मीन्स हवा का चलना या बहना, तो फूंक मारना भी होता है। तो फूंक मारने से जब हवा चलती है तो उसी से कोई चीज़ गर्म हो जाती है, और इसी तरह फूंक मारने से कोई चीज़ ठंडी हो जाती, तो उसी से ठंडा उसी से गर्म, हवा से ठंडा और हवा से गर्म और हवा से ठंडा करना, तो इसके बारे में पढ़ेंगे इस लेसन में। ए टिनी बेफ ऑफ एयर हैज द क्वालिटी ऑफ ब्लोइंग हॉट एंड ब्लोइंग कोल्ड। टिनी बेफ फूंक, छोटी सी फूंक हवा की, ऑफ एयर हवा की छोटी सी फूंक में यह क्वालिटी होती है कि वह क्या कर देती है, किसी वस्तु को गर्म कर देती है, और फिर उसी तरह फूंक मारने से किसी वस्तु को ठंडा भी कर देती है। बेयर एज अ टिनी पिफ ऑफ एयर ब्लोज ऑफ अ कैंडल। जब किसी कैंडल के ऊपर थोड़ा सा फूंक देते हैं तो इट इज आल्सो एडेड इन बर्निंग ऑफ अ चूल्हा। इसी तरह ब्लो ऑफ अ कैंडल, वो मोमबत्ती बुझ जाती है। इसी तरह जब चूल्हे को भी फूंका जाता है तो वह क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक से जल उठता है। ड्यूरिंग अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग अ बिप ऑफ एयर कीप अवर हैंड्स वार्मर। ठंडी के मौसम में सुबह सुबह जब हमारे हाथ बहुत ठंडे होते हैं तो हम अपने मुंह से फूंक मारकर हाथों को गर्म कर लेते हैं। वेन ब्लो इनटू इट, जब उस पर फूंकते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। वेयर एज इट कूल डाउन अ कप ऑफ स्टीमिंग कॉफ़ी। इसी तरह जब कप में कोई कॉफ़ी रखी होती है और वह बहुत गर्म होती है तो मुंह से फूंक मार कर हम उसको ठंडा कर लेते हैं। ब्लोइंग एयर हेल्प अस इन मैनी वे। जो हवा होती है, जब हवा चलती है तो वह हमारी कई तरीके से मदद करती है, या जब हम उसको फूंकते हैं तो वह हमारी कई तरीके से मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण तौर पर, इट हेल्प अस प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक द फ्लूट। फ्लूट फ्लूट मीन्स बांसुरी। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो संगीत के बाद यंत्र होते हैं जैसे बांसुरी, तो वह हवा से ही बचती है, जब उसको बजाते हैं तो हवा के प्रयोग से वह बचती है। इट हेल्प अस इन फ्लैट बैलून। हवा की मदद से ही हम गुब्बारे फुलाते हैं। दस बी सी दैट ब्लोइंग एयर प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो इस तरह से जो हवा चलती है वह हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। वेन एयर इज ब्लो इनटू ए चूल्हा यूजिंग अ पाइप। जब हम एक पाइप से, देखिए इस तरह से ये चूल्हा चल रहा है और एक पाइप की मदद से जब उसमें फूंका जाता है तो वह जो लकड़ियाँ होती हैं वह ठीक से जल उठती हैं। एंड बेटर हीट एयर इज एसेंशियल फॉर बर्निंग। और इस तरह से वह और अच्छी हीट देने लगती हैं जो भोजन बनाने में यूज होती है। इसी तरह देखिए, ये एक लड़की है जो कि कप में रखी हुई चाय या कॉफ़ी को अपनी मुंह की फूंक से क्या कर रही है, उसको कॉफ़ी को ठंडा कर रही है। और यह इधर पर ये लोग चूल्हे से खाना बना रहे हैं तो उसको पाइप की मदद से उसमें हवा भरते हैं, ये फूंकते हैं तो उससे वो गर्म हो जाता है और जल उठता है। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू स्टे अलाइव। सभी जीवित चीज़ें अपने जीने के लिए सांस लेती हैं। ब्रीथ मीन्स सांस लेना। बी ब्रीथ इवन वेन वी आर एस्लीप। यहाँ तक कि जब हम सोते हैं तब भी सांस लेते हैं। ब्रेन आर स्मार्टेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। जो ब्रेन होता है वह हमारे शरीर का बहुत छोटा सा अंग होता है। कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, जो कि ब्रीथिंग सांस लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। वेन वी ब्रीथ इन बी इनहेल, जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो उसको इनहेल कहते हैं। एज अ रिजल्ट इन ऑफ इनहेलेशन अवर लंग्स गेट फिल्टेड विथ एयर। जब हम सांस को अंदर की तरफ लेते हैं तो लंग्स, लंग्स मीन्स फेफड़े, हमारे फेफड़े हवा से भर जाते हैं। एंड दिस इंक्रीजेज द साइज ऑफ लंग्स, तो उससे बस फेफड़े होते हैं वो क्या होते हैं, लंग्स हैं ये दिखाए गए, तो ये फूल जाते हैं जब उसमें हवा भर जाती है। टू गेट आवर लंग्स बैक टू नॉर्मल,
बी ब्रीथ आउट और एक्सेल। जब हम उसी सांस को बाहर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वह उसको एक्सेल कहते हैं, सांस को बाहर छोड़ना। तो हमारे जो लंग्स होते हैं वापस अपने उसी स्थिति में आ जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सलेरेशन एयर इज पास्ड आउट एंड द साइज ऑफ द लंग्स डिक्रीज। तो एक्सेलरेशन में क्या होता है, जब सांस को बाहर छोड़ा जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो पुनः क्या होता है, अपने साइज को, अपने आकार को कम कर लेते हैं और अपनी पूर्वावस्था में आ जाते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ टिनी पार्ट्स कॉल्ड सेल्स। जो मनुष्य का शरीर होता है वह बहुत छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है, जिसको सेल कहते हैं। सेल मीन्स इसको हिंदी में कोशिकाएं कहते हैं। बी इनहेल एयर टू न्यूरिश अवर सेल्स। और हम जब सांस लेते हैं, जो हवा हमारी कोशिकाओं में पहुंचती है, तो उससे हमारी कोशिकाओं का पालन पोषण होता है। सेल्स नीड ऑक्सीजन टू वर्क वेल। और हमारी सेल्स को ठीक से काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं, तो ऑक्सीजन रिच एयर इंटर्स अवर नोजेस। तो हमारी सांस से ऑक्सीजन युक्त हवा हमारे शरीर के अंदर पहुंचती है। हियर द एयर वार्म्स अप, इधर पर हवा गर्म होती है। हियर इन द नोज फिल्टर्ड अवर डस्ट और डर्ट प्रेजेंट इन द एयर। जो हमारी नोज के अंदर, देखिए इधर से ये सांस लेने की प्रक्रिया दिखाई जा रही है। जब हवा सबसे पहले हमारी नोज के अंदर जाती है, नॉस्ट्रल्स के जिसको कहते हैं, नासा द्वार कहते हैं, उसमें जाती है। फिर उसके अंदर छोटे छोटे से बाल होते हैं नाक के अंदर, जो कि हेयर होते हैं, जो कि हवा में मिली हुई डस्ट को या जो धूल वगैरह होती है उसको क्या कर देते हैं, फिल्टर करते हैं, छानते हैं। द इनसाइड ऑफ नोज इज अ बिट मॉइस्ट एंड स्लीपरी ऑल द टाइम। नोज के अंदर हमेशा क्या रहती है, मॉइस्चर रहता है और स्लीपरी रहती है, जो हवा को कैसी बनाती है, नमी युक्त बनाती है। इट एडेड मॉइस्चर टू द एयर, और हवा को मॉइस्चर युक्त कर देती है। एंड सेंड क्लीन एंड फिल्टर्ड एयर इनटू अवर लंग्स, और उस हवा को साफ करके छान कर हमारे लंग्स फेफड़ों तक पहुंचाती है। अवर ब्लड सेल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, हमारी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वह ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वो लंग्स में पहुंच जाती है। द स्ट्रीम ऑफ ब्लड फ्लोइंग इनसाइड अवर बॉडी, तो द स्ट्रीम ऑफ ब्लड फ्लोइंग, जब हमारा ब्लड बहता है हमारी पूरे शरीर के अंदर, कैरीज ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो वह ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इनसाइड अवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मॉइस्चर एंड एनर्जी आर प्रोड्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन मतलब श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया के दौरान हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, पानी बनता है या मॉइस्चर बनता है और एनर्जी बनती है। द एनर्जी इज ऑलवेज इज द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। जो एनर्जी बनती है वो किस रूप में बनती है, वह हीट एनर्जी के रूप में बनती, जिसको शक्ति या ऊष्मा भी कह सकते हैं। सो हॉट एंड ह्यूमिड ब्रीथ आर थ्रू आउट ऑफ द बॉडी एज वी ब्रीथ आउट। और जब हम बाहर की तरफ सांस छोड़ते हैं तो जो हवा हमारी बॉडी से अंदर से निकलती है वह कैसी होती है, ह्यूमिड होती है, नमी युक्त होती है और गर्म होती है। ब्रीथ द राइट वे, सांस लेने का सही तरीका, ऑलवेज ब्रीथ थ्रू अवर नोज, हमें हमेशा अपनी सांस नाक के द्वारा लेना चाहिए। ब्रीथिंग थ्रू द माउथ कैन लीड टू सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स, लेट अस अंडरस्टैंड भाई। जो ऑलवेज ब्रीथ थ्रू अवर नोज, हमें हमेशा अपनी नाक के द्वारा सांस लेना चाहिए, नोज से लेना चाहिए। ब्रीथिंग थ्रू द माउथ कैन बी लीड टू सेवरल प्रॉब्लम, यदि हम मुंह से सांस लेंगे तो हमें बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। लेट अस अंडरस्टैंड भाई, हम समझते हैं क्यों, चलिए समझते हैं क्यों। अवर नोज हैज टू नोस्ट्रल, हमारी नाक में दो नोस्ट्रल या दो नासा छिद्र होते हैं, द लेफ्ट नोस्ट्रल एंड द राइट नोस्ट्रल। एक को लेफ्ट नोस्ट्रल कहते हैं, दूसरे को राइट, मतलब दायां और बायां नासा द्वार। व्हेन वी ब्रीथ
थ्रू अवर नोज जब हम अपनी नाक से सांस लेते हैं द नोस्ट्रल फिल्टर वार्म अप एंड मॉइस्चराइज द एयर। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वह हवा को फिल्टर करता है, गर्म करता है और क्या करता है, मॉइस्चर युक्त बनाता है। बी इनहेल जब हमारे एयर लंग्स तक पहुंचती है उसके पहले। इन दिस वे इस तरीके से एयर इज क्लीन्ड बिफोर इट रीचेज अवर लंग्स, तो लंग्स में पहुंचने से पहले यह क्लीन साफ हो जाती है। द माउथ कैन नॉट फिल्टर और मॉइस्चराइज द एयर। जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो वह ना तो हवा को साफ करता है और ना उसमें मॉइस्चर मिल पाता है। व्हेन वी ब्रीथ थ्रू अवर नोज जब हम अपनी नोज से सांस लेते हैं बी गेट टू नो वेरियस स्मेल, तो हमें तरह तरह की स्मेल उसमें आती हैं। द माउथ कैन नॉट स्मेल, मुंह से सांस लेने में हमें किसी तरह की स्मेल कभी पता नहीं चलता। ब्रीथिंग थ्रू द माउथ लीव्स इट ड्राई, जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो वह हवा जो होती है वह बहुत ड्राई होती है। यू मे स्टार्ट स्नोरिंग इफ यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ मोस्ट ऑफ द टाइम, यदि आप ज़्यादा लंबे समय तक मुंह से सांस लेते रहते हैं तो स्नोरिंग खर्राटे की आवाज़ आने लगती है। जैसे सोते समय कोई खर्राटे लेता है तो वो क्या है, उस समय देखिए इस स्थिति में ये सो रहा है और मुंह से सांस ले रहा है, उसको पता भी नहीं चल रहा, तो उसमें खर्राटे की आवाज़ आने लगती है। व्हाइल ब्रीथिंग थ्रू द माउथ ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर इज इनहेल्ड, क्या होता है जब मुंह से सांस लेते हैं तो बहुत सारी हवा हमारे मुंह से होती हुई अंदर पहुंच जाती है। इट पुट्स एक्सटेंट प्रेशर ऑन द लंग्स टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, तो जब बहुत सारी हवा हमारे लंग्स में पहुंच जाएगी उसके साथ ऑक्सीजन भी पहुंच जाएगी तो वह लंग्स के ऊपर एक्स्ट्रा लोड डालेगी। थ्रू द नोज, नोज के द्वारा बी ब्रीथ इन ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एयर, नोज के द्वारा जब हम सांस लेंगे तो थोड़ी सी हवा हमारे शरीर के अंदर जाएगी। इट अलाउड द लंग्स टू वर्क इफिशियंटली विदाउट ओवरलोडिंग, तो हमारे लंग्स के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा लोड नहीं डलता है और उसके ऊपर वो ठीक से काम करते रहते हैं। फैन बी एक्सरसाइज टू रन फास्ट, जब हम कोई एक्सरसाइज करते या तेज दौड़ते हैं। बी टेंड टू ब्रीथ फास्टर, तो हम तेजी से सांस लेने लगते हैं। कैन यू गेस बाय, क्या आप अनुमान लगा सकते हो ऐसा क्यों होता है। इट इज बिकॉज व्हेन वी एक्सरसाइज, यह इस कारण होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। आवर सेल्स नीड मोर ऑक्सीजन टू जनरेट मोर एनर्जी, तो हमारी कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है क्योंकि ज़्यादा एनर्जी हमारे शरीर को चाहिए पड़ती है। दे आल्सो प्रोड्यूस मोर कार्बन डाइऑक्साइड, और उस समय वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालती हैं। एंड दैट इज वाई वी नीड टू ब्रीथ इन एंड आउट फास्टर, इसलिए हम जल्दी जल्दी अंदर सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। सो इट इज एल राइट टू ब्रीथ फ्रॉम द माउथ आफ्टर यू हैव डन सम विगरस एक्सरसाइज और हैव रन वेरी फास्ट, तो जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या बहुत तेज दौड़ते हैं तो उसके बाद हम मुंह से सांस लेने लगते हैं कुछ टाइम तक। इस तरह से ब्रीथिंग थ्रू द माउथ विथ रनिंग, दौड़ते समय मुंह से सांस लेते हैं। ब्रीथ फास्ट ब्रीथ स्लो, तेजी से सांस लेना और स्लो सांस लेना, ये क्या है, पीपल हु हैव ब्रीथिंग प्रॉब्लम और अस्थमा यूज एन इनहेलर वाइल ब्रीथिंग, जब किसी व्यक्ति को अस्थमा की बीमारी होती है या सांस लेने में समस्या होती है तो वो इनहेलर का यूज करता है अपनी सांस लेने के लिए। एन इनहेलर आल्सो नोन एज आ पफर, और इसको पफर भी कहा जाता है, इज अ मेडिकल डिवाइस, या एक मेडिकल यंत्र होता है, डिवाइस होती है, विच इज यूज फॉर ट्रीटिंग अस्थमा, जो अस्थमा के इलाज के लिए उपयोगी होती है। यूजिंग एन इनहेलर इज द मोस्ट कॉमन एंड इजियर वे टू टेकिंग अस्थमा मेडिसिन, तो अस्थमा की मेडिसिन के लिए यह एक बहुत साधारण और बहुत सही तरीका होता है इनहेलर का यूज करना। द हार्ट एंड लंग्स वर्क टूगेदर, जो हार्ट होता है और जो लंग्स होता है, हार्ट मीन्स हृदय, लंग्स मीन्स फेफड़े, वर्क माने काम करना, टूगेदर मतलब एक साथ दोनों ही ऑर्गन्स
काम करते हैं। ब्रेन बी रन फास्ट जब हम तेजी से दौड़ते हैं, अवर बॉडी नीड मोर ऑक्सीजन, हमारे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स डिफ्यूजेज इन द ब्लड, ऑक्सीजन लंग्स में पहुंचकर फिर यह कहाँ ब्लड में मिल जाती है। वेन इच देन कैरीड टू एवरी सेल ऑफ अवर बॉडी, जहाँ से ब्लड के द्वारा वह हमारी प्रत्येक शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचती है। द हार्ट वर्क हार्ड टू पम्प इन मोर ब्लड इन टू द सिस्टम, और जो हमारा हृदय होता है वह बहुत हार्ड वर्क करता है, पंपिंग का कार्य करता है और पूरे सिस्टम में पूरे शरीर के अंदर ब्लड को पहुंचाता है। सो दैट वी आर नॉट शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होना चाहिए। ब्रीथिंग मेक्स द लंग्स एंड हार्ट वर्क टूगेदर एज अ टीम, तो सांस लेने में फेफड़े और हृदय दोनों एक साथ एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। जैसे आजकल कोरोना की सिचुएशन चली, COVID-19 की तरह के चलते हुए लोगों को जिसको कोरोना हुआ उनको सांस लेने में प्रॉब्लम गई, तो उनकी बॉडी के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो गई। व्हेन अवर बॉडी इज एट रेस्ट, जब हमारा शरीर या हम आराम करते हैं, द सेल्स नीड लेस ऑक्सीजन, उस समय हमारे शरीर को कम ऑक्सीजन की, हमारी कोशिकाओं को कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दे आल्सो प्रोड्यूस लेस कार्बन डाइऑक्साइड, और वह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी कम उत्पादित करती हैं। दिस स्लो डाउन द रेट ऑफ ब्रीथिंग, उस समय हमारी जो सांसें होती हैं वो बहुत धीरे धीरे चलती हैं। दस लंग्स डू नॉट नीड टू वर्क हार्ड, इस तरह से लंग्स जो होते हैं वह उनको ज़्यादा कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंस द हार्ट एंड लंग्स वर्क एज अ टीम, दोनों ही एक टीम की तरह काम करते हैं, लंग्स और हार्ट। व्हेन अवर लंग्स आर नॉट वर्किंग हार्ड, जब हमारे लंग्स ज़्यादा कठिन परिश्रम नहीं करते, अवर हार्ट इज नॉट वर्किंग हार्ड आइदर, तो हमारे हृदय पर भी कोई जोर नहीं पड़ता, उसको भी ज़्यादा कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं होती, वह नॉर्मल होकर कार्य करते हैं। सो हार्ट एंड लंग्स आर ग्रेट बॉडीज, इस तरह से दोनों के अंदर बहुत गहरा संबंध होता है, हृदय में और फेफड़े में। थैंक यू, लेसन फिनिश हुआ।